नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए बढ़ते हैं एक खास खबर की ओर। क्या बीजेपी मतदाता भी बाहर से लेकर आएगी? जाने कमलनाथ के इस तंज के पीछे क्या है कहानी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप पर बड़ा आरोप लगाया है। कमलनाथ ने तंज करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए नेतृत्व का चेहरा भी बाहर का दिखा रही है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि अब क्या बीजेपी मतदाता भी बाहर से लाएगी। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी द्वारा अगले विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर किसी को सीएम फेस ना प्रोजेक्ट करने को कांग्रेस टारगेट करने की प्लानिंग बना रही है। कांग्रेस ने कमलनाथ को सीएम इन वेटिंग प्रोजेक्ट कर दिया है। वहीं बीजेपी वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके इलेक्शन कैंपेन कर रही है। सत्ता से बाहर जाने के स्पष्ट संकेत। बीजेपी में अगले सीएम फेस को लेकर दुविधा पर अब पीसीसी चीफ कमलनाथ तीखा आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने बुधवार यानी 30 अगस्त को ट्वीट करते हुए कहा, एमपी में बीजेपी चुनाव के लिए नेतृत्व का चेहरा भी बाहर का दिखा रही है। प्रचार के लिए मंत्री और विधायक भी बाहर से ला रही है, मतलब सब कुछ बाहर से। ये बीजेपी के सत्ता से बाहर जाने के स्पष्ट संकेत है। कमलनाथ ने आगे लिखा, अब क्या बीजेपी मतदाता भी बाहर से लाएगी? क्योंकि एमपी के सतर्क मतदाता तो अब इनके झांसे में नहीं आने वाले और ना ही बीजेपी को कोई चुनावी घपला करने देंगे। इस बार एमपी का हर एक मतदाता सजग है, क्योंकि इस चुनाव से उसका और एमपी का भविष्य तय होना है। बीजेपी के सीएम फेस को लेकर चर्चा हुई तेज। यहां बताते चले कि पिछले दिनों भोपाल में बीजेपी को चुनाव अभियान समिति के सदस्य और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर एक पत्रकार के उस सवाल को सुनकर हड़बड़ा गए थे, जब उनसे बीजेपी की 2023 की बारात के दूल्हे के बारे में पूछा गया था। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने जवाब में कहा, कुछ फैसले हम लेते हैं और कुछ चीजें पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, और जब तक कुछ तय नहीं होता है इसका कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। तोमर के इस बयान के बाद अब फिर से एमपी में बीजेपी के सीएम फेस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बीते दिनों भोपाल आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी इससे जुड़ा बयान संशय खड़ा कर रहा है। उन्होंने संकेत दिया था कि आने वाले वक्त में सीएम शिवराज मुख्यमंत्री का चयन नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि अभी सीएम शिवराज जी ही हैं। अब मध्य प्रदेश के चुनाव संयोजक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान के बाद कमलनाथ ने तंज करके इस मुद्दे को और हवा दे दी है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।